निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 पंचायत अमरपुर से बहुत सारे लोग पंचायत समिति में खड़े हुए हैं, क्या मिजाज है आप लोगों का इस बार? मेरा मिजाज यही है कि हम मिथिलेश जी को इससे पहले भी समिति से जीते हुए हैं और अच्छे कार्य किए हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, जो कि अच्छे काम कर सकते हैं और हमारे समाज को विकास दे सकते हैं। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मिथिलेश जी पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने दोबारा ये कार्य करने की क्षमता रखी है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम उपेंद्र सा। पंचायत? पंचायत अमरपुर। लोगों का अगला बारी जीतले रहे ना तो हमरा कॉल दल के रहे और सबके रिक्शो दल के रहे, बोरगा स्तर जे छै से चबूतरो बनेलक जे ओते अभी पोलियो वाला सुइया मिले छै तो अबरी एकरे देनाइ छै। क्या मिजाज है इस बार? अबरी मिथिलेश के देना छै। और बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, इस पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? अत्ते दिना से जे छै कोई कुछ नहीं करलक है, परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? वीरो शर्मा। कौन पंचायत है? अमरपुर पंचायत। देंगे बरगद छाप में वोट देंगे, चूँकि इससे पहले भी ये रह चुके हैं तो ये काम किए थे, हम लोग का विश्वास है। अभी जो बना है इसके बाद भी दो बार कोई कुछ क्षेत्र में काम नहीं किया है, इस पर विश्वास है, इसको हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, एकदम परिवर्तन चाहते हैं। तो बरगद छाप पे ही वोट क्यों दीजिएगा? और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान, इन पर विश्वास है तो इन्हीं को न देंगे। क्या नाम हुआ आपका? वोट मिलेगा? बात नहीं, क्यों मिलेगा? वोट देंगे उसी आधार पर, हम लोग का विकास होना चाहिए, हम लोग का व्यवस्था होना चाहिए। पहले विकास हुआ या नहीं? विकास हुआ, विकास हुआ है, लेकिन विकास नया विकास ढंग से कीजिए ताकि जनता खुश रहे, हम लोग भी खुश। बरगद का पेड़ बहुत अच्छा किसान आपका है, बहुत अच्छा छत्र छाया में सवार आप लोग के प्रत्याशी चुनावी समर में पूरी तरह से आ चुके हैं, चुनाव चिन्ह मिल गया है और प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार प्रसार जो होता है उसको पूरी तरह से तेज कर चुके हैं, चाहे वो जनसंपर्क अभियान हो चाहे बैनर पोस्टर के द्वारा हो, प्रत्याशी पूरी तरह से जोर शोर से अपना कदमताल कर रहे हैं पंचायत में। अभी हम मौजूद हैं यहाँ कहरा प्रखंड के अमरपुर पंचायत में, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 मिथिलेश कुमार हैं, जो इससे पूर्व भी कई सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वो इस बार फिर पंचायत समिति के पद से खड़ा हुए हैं। अमरपुर पंचायत से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बता दूं कि उन्हें निर्वाचन जो उनका क्षेत्र संख्या 18 है जहाँ से वो पंचायत समिति के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह जो आवंटित हुआ है, उन्हें बरगद का पेड़ आवंटित हुआ है। यहाँ पर मिथिलेश कुमार भी हैं जो जनसंपर्क के लिए निकले हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और उनका क्या उद्देश्य रहेगा। तो सबसे पहले मिथिलेश कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे खास कवरेज में, और आप बतौर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 से अमरपुर पंचायत से पंचायत समिति में लड़ रहे हैं, आपको बरगद का पेड़ का सिंबल मिला है, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आप नजरिया नीत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जो बरगद का पेड़ है, ये छांव देता है, धूप से बचाता है। सबसे पहले बरगद का पेड़ जो है ये लोग पूजा पाठ में भी करते हैं, औरत लोग, सबसे अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है हमें, बहुत खुशी है। यहाँ के आम जनता जो है इससे पहले भी खुश थे, हम जब खड़ा हुए थे 2001 में, अब भी उतना ही खुश है, उतना ही लहर है, दिक्कत कोई बात की नहीं है, जनता हमें आशीर्वाद देगी, मैं फिर दोबारा पंचायत समिति बनूंगा। क्या आपके पास कुछ ऐसा उद्देश्य है कि आपको अगर जीत मिलती है तो कौन सा काम आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहले करना चाहेंगे? सबसे पहली बात है मैं गरीबों को सबसे पहले देखता हूँ। अभी तक 4 पंचायत समिति यहाँ के हुए हैं, कोई कभी कुछ नहीं दिया। जब से मैं 2001 में जब हुआ तो चापाकल दिया, चबूतरा छत वाला चबूतरा दिया, नाला दिया, रिक्शा बांटा। उसके बाद जो भी पंचायत समिति 2001 के बाद बने, कोई एक
समान नहीं किए, जो जो हुआ सब अपने पास रखे खा गए कि क्या किए, ये तो आम जनता जवाब देगी। चुनावी समय है, चुनावी मौसम है, बहुत सारे लोग प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और विकास का वादा जनता से कर रहे हैं। उस लिस्ट में आप भी हैं, तो आपके जनता कैसे विश्वास करेगी? सबसे पहली बात है कि जनता देख चुकी है कौन क्या है नहीं है, जनता देख चुकी है। मुझे तो सब जितना है सब मिलजुल के खड़ा किया है, इसलिए मैं खड़ा उतरूंगा। सबका साथ मिला, सबका सबके साथ मैं खड़ा उतरूंगा। मैं सबको विश्वास देता हूं, मैं धोखागिरी कभी नहीं करता। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार। किस पद से चुनाव लड़े? पंचायत समिति सदस्य 18। चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव चिन्ह बरगद का पेज। मिथिलेश कुमार थे जो पहले भी कह रहे हैं कि हम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 में सेवा कर चुके हैं और ये ताल ठोक रहे हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला तो इस बार हम फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र संख्या में विकास की गंगा बहाएंगे। लेकिन आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा, जहां चुनावी मौसम है और कहरा प्रखंड का 29 सितंबर को चुनाव होना है तो प्रत्याशियों की काफ़ी भीड़ है, प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं, लेकिन यहां जो फैसला करेगी वो जनता जनार्दन करेगी कि अपना आशीर्वाद और प्यार किसे देगी। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब।